अपना टाइम आ गया। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। बहुजन वुड की शानदार लॉन्चिंग पर अफसोस कि श्रेष्ठता बोध से ग्रसित मुख्य धारा में बहुजनों के श्रम और सौंदर्य को कभी उचित सम्मान नहीं मिला। उन्हें सदा हीन दृष्टि से ही देखा गया। आधुनिक युग में संस्कृति, साहित्य और सिनेमा में लोक का ढिंढोरा तो खूब पीटा गया, पर लोक का असली प्रतिनिधि समाज और उसकी समतावादी सोच यहां भी गायब रही। अब होगा एनलाइटनमेंट थ्रू एंटरटेनमेंट। बहुजन वुड एनलाइटनमेंट थ्रू एंटरटेनमेंट। फिर हम लोगों ने 6 फिल्में कुछ प्लान किए हैं। अभी आप लोग जब निकलेंगे हॉल से तो आपको इस टाइप की एक बुकलेट मिल जाएगी। इसमें 6 फिल्मों की डिटेल है जो हम करने वाले हैं। दिल्ली में दिखा बहुजनों का दम। अगर इसे तुम अपना सहारा देकर रखोगे तो लिख के देखना, तुम याद रखना कि इतिहास लिखा जाएगा। हम एक महान सांस्कृतिक विरासत के उत्तराधिकारी हैं। बॉलीवुड जब हमारे बहुजन समाज के मुद्दों को टच करता है तो वो मुद्दों को टच करके दिखाने की कोशिश नहीं करता बस, बल्कि उस मुद्दे का जो जोश है, उसका जो जुनून है, उसकी जो ग्रोथ की शक्ति है, उसको खत्म करने का काम करता है। अब बॉलीवुड को टक्कर देंगे हम। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दिवस है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है। द्वितीयांति धम्मं शरणं गच्छामि। जुलाई 2019 का दिन बहुजन समाज के इतिहास में दर्ज हो गया। दिल्ली में बहुजन वुड की ऑफिशियल लॉन्चिंग हो गई। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में सैकड़ों की भीड़ इस ऐतिहासिक घटना की गवाह बनी। एनलाइटनमेंट थ्रू एंटरटेनमेंट का मकसद लेकर आगे बढ़ रहे बहुजन वुड की शानदार शुरुआत देखकर अंबेडकर वादियों का सीना चौड़ा हो जाएगा। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। द ग्रेट लीडर काशीराम फिल्म के डायरेक्टर और बहुजन वुड के फाउंडर अर्जुन सिंह के अलावा कार्यक्रम में भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर, मशहूर लेखिका अरुंधति रॉय, डॉक्टर एम आर रायपुरिया, भंते जी और कई जानी मानी हस्तियां शामिल हुई। आइए आपको सिलसिलेवार ढंग से बहुजन वुड की लॉन्चिंग दिखाते हैं। सबसे पहले बुद्ध वंदना से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। इसके बाद बहुजन वुड का फर्स्ट लुक लॉन्च किया गया। कार्यक्रम में शामिल हस्ती द्वारा बहुजन वुड की बुकलेट भी लॉन्च की गई। इस बुकलेट में उन फिल्मों का जिक्र है जिन्हें बहुजन वुड बनाने जा रहा है। इसके बाद द ग्रेट लीडर कांशीराम फिल्म के डायरेक्टर और बहुजन वुड के फाउंडर अर्जुन सिंह ने बहुजन वुड को सपोर्ट करने वाले लोगों को शुक्रिया कहा। सबसे पहले मैं उन तमाम लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने बहुजन वुड को आर्थिक सहयोग किया और हम ये प्रोग्राम अरेंज कर पाए, जिसकी वजह से आप सभी लोग, सभी मीडिया, सभी अतिथि यहाँ उपस्थित हुए हैं, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। अर्जुन ने बहुजन वुड का मकसद भी समझाया। पूरे देश में सामाजिक, राजनीतिक तमाम रूप से संगठन हैं, कल्चर की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया है या दिया है तो वो आगे नहीं आ पाया है। कुछ लोग ऐसे दिखाई देते थे कि ये एक्टिंग कर सकते हैं, कलाकार बन सकते हैं, कुछ ना कुछ कर सकते हैं, अलग ही टैलेंट है गाँव के लोगों में। तो मुझे लगा कि इनको इकट्ठा करने के लिए, इनको एक प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। फिर हम लोगों ने 6 फिल्में कुछ प्लान किए हैं। अभी आप लोग जब निकलेंगे हॉल से तो आपको इस टाइप की एक बुकलेट मिल जाएगी। इसमें 6 फिल्मों की डिटेल है जो हम करने वाले हैं और मुझे लगता है कि आप लोगों के सहयोग और जितने भी अतिथि हैं यहाँ और मीडिया कर्मी हैं, इनके सहयोग के बिना मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊंगा। लेकिन आप लोगों का सहयोग रहा तो ये 6 फिल्में जो मेरा
हमारा पहला टारगेट है टीम का, वो शायद हम लोग अचीव कर पाएंगे। तो इसके बाद डॉक्टर जितेंद्र विसारिया ने अपने विचार रखे। दादा साहब फाल्के ने शुरुआत की, उस समय जो हमारा देश था वो नवजागरण काल का समय था। उस समय आर्य समाज हो, ब्रह्म समाज हो या सत्यशोधक समाज हो, तमाम आंदोलन चल रहे थे, लेकिन उन्होंने जिन चीज़ों को चुना वो हिंदू पौराणिकता पर आधारित थी। मैं देखता हूँ कि उसमें ठीक है, पहली ही फिल्म आप देखिए राजा हरिश्चंद्र है, जो 3 मई 1913 को रिलीज हुई। आप देखिए कि उसमें एक सीन है कि राजा रानी तारावती हैं, राजा हरिश्चंद्र का मटका इसीलिए उन्हें उठाती हैं कि वो एक अछूत के दास हैं। मतलब वर्ण व्यवस्था और जातिवाद का जो प्रसार है पहली ही फिल्म से हो जाता है। कार्यक्रम के अगले पड़ाव में बहुजन वुड के संस्थापक सदस्य धर्म प्रकाश ने बताया कि कैसे बॉलीवुड बहुजन समाज की जेब से ही पैसा निकालकर अपनी जेब भर रहा है और हमारा गलत चित्रण कर रहा है। आंकड़ा निकालिए और देखिए कि कुल कितनी फिल्में बनाई गई आज तक। जितनी भी फिल्में बनाई गई उसमें आप देखेंगे कि कितने लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया और वो किस खास समाज से बिलोंग करते हैं। और उसके बाद में ये भी देख लीजिएगा कि उसमें किस मुद्दे पर फिल्में बनाई गई हैं और उसमें आपके मुद्दे कहाँ पर नजर आते हैं, कहाँ नहीं नजर आते। कुछ अपवाद हो सकते हैं, जैसे किसी मुद्दे को हल्का सा टच कर लिया। और उसके बाद में बॉलीवुड जब हमारे बहुजन समाज के मुद्दों को टच करता है तो वो मुद्दों को टच करके दिखाने की कोशिश नहीं करता बस, बल्कि उस मुद्दे का जो जोश है, उसका जो जुनून है, उसकी जो विरोध की शक्ति है, उसको खत्म करने का काम करता है। बहुजन वुड के आने से बहुजन कलाकारों का जोश भी हाई है। यह है बहुजन वुड ने बहुत अच्छा इसका इनिशिएटिव लिया है। ये अर्जुन जी का बहुत ही अच्छा रहा कि बहुत अच्छा ये कॉन्सेप्ट लाए हैं ये करने का। और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि इसमें हम बहुजन ही मिल करके टिप टू टॉप, हम ही बहुजन इसमें होंगे, हम ही लोग इसमें करेंगे। और जो हम लोग 15% आबादी वाले बॉलीवुड को देखते हैं, इसमें अब हम लोग अपना पैसा वहाँ ना फूंक करके यहाँ पे अपना सारा ताकत लगाएंगे और इसको बहुत बड़ा बनाएंगे। कार्यक्रम में प्रोफेसर सेवरिया और प्रोफेसर रामपुरिया ने भी बहुजन वुड को बधाई दी कि अब अंबेडकरवाद की सुई युवाओं की तरफ घूम रही है और आने वाले समय में युवा इसका नेतृत्व तो करेंगे निश्चित तौर पर। हम एक महान सांस्कृतिक विरासत के उत्तराधिकारी हैं और जब ये बात कही तो उनके अनुयायियों ने कलम उठा करके उसे खोजना शुरू कर दिया और इतिहास को जानना शुरू कर दिया, उस संस्कृति को का अन्वेषण शुरू कर दिया, तो पाया कि कभी सिंधु घाटी की सभ्यता हुआ करती थी जहां समता, स्वतंत्रता, बनता और न्याय के मूल इस मिट्टी में दफन हो गए थे या खो गए थे, वो किस कारण से। मशहूर लेखिका अरुंधति रॉय तो बहुजन वुड की लॉन्चिंग से बेहद खुश नजर आई। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दिवस है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है जब, और मैं एक लेखिका हूँ, शायद इसीलिए मुझे लगता है कि कहानियाँ तो बहुत अहम है। जैसे बाहर के देश में वो इंडिया के बारे में क्या जानते हैं, इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के बारे में क्या जानते हैं, एक ही चीज़ है रिचर्ड एटनबरो का फिल्म गांधी, उससे उनको पता है कि इंडिया क्या है क्या नहीं है। उसमें बाबा साहब का रोल ही नहीं है, जब वो गांधी का सबसे इम्पोर्टेंट इंटेलेक्चुअल, सोशल, पॉलिटिकल ओपोनेंट था, वो कहानी में ही नहीं है। तो वो कहानी कौन बताएंगे, आप ही बताएंगे ना। इसके बाद भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद ने भी बहुजन वुड की टीम का हौसला बढ़ाया। जय भीम। तो अर्जुन भाई नौजवान है, समय समय पर मुझसे बात करते रहते हैं, तो जब इन्होंने कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया तो बहुत सारे लोगों ने अर्जुन भाई को कहा भी हो कि तुम तो छोटे बच्चे हो भी, नादान हो, क्या करोगे, इस काम को छोड़ो, कोई वैसा काम ढूंढो जिसमें तुम्हें रोजगार मिल जाए। तो साहब हम सीख रहे हैं, मैं हूँ, अर्जुन है और बहुत सारे साथी, हम लोग सीख रहे हैं काम करना, कुछ अच्छा करने के लिए।
हमें आप लोगों के साथ की जरूरत है। ये चेहरे पे जो दो नकाब लगाए हुए प्लीज इन्हें उतार दीजिए, खराब हो जाएगा सब। ये जो दो नकाब लगा के आप लोग घूम रहे हैं ना, इन नकाबों से सब कुछ खत्म हो जाएगा। आज 25 जुलाई ऐतिहासिक दिन है। आज क्रांति की देवी फूलन देवी जी का शहादत दिवस है। रेवोल्यूशन हमारे ब्लड में। सभागार में मौजूद लोगों में भी जबरदस्त उत्साह दिखाई दिया। इसके बाद आदरणीय भंते जी ने लोगों को संस्कृति और सभ्यता का फर्क भी समझाया। बाबा साहब ने कहा, लो एमिज क्राइम, छोटा लक्ष्य अपराध है। अगर बाबा साहब की ये बात हमारी समझ में आ जाए तो हर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, हर एक संगठन करता व्यक्ति, हर एक आंदोलन करता व्यक्ति यह अपराध कर रहा है। और छोटा संगठन बढ़ाता है, छोटे संसाधन इकट्ठे करता है और अपने ही सतर पर उनका इस्तेमाल करके एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन को रोक देता है। बहुजन वुड के लिए बहुत बड़ा काम करने के लिए, संस्कृति ना हमारी है और ना हमें जिक्र करने की जरूरत है। बौद्धों की सभ्यता है। हम जब भी बात करें सभ्यता की करें, बौद्ध सभ्यता की बात करें, जब भी हम संस्कृति की बात करते हैं तो दूसरे का ही परोसते हैं। शब्द भी अपने हों, लक्ष्य भी अपना, महापुरुष भी अपने, दिशा भी अपनी। कार्यक्रम का अंत भी भीम वंदना से ही हुआ। किसी को कोई दुख ना हो, दुनिया के सभी प्राणी सुखी हों, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई दुख ना हो। आप देख रहे हैं द शूद्र। बहुजन समाज से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे नए वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके।